हाय गाइस, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किसके रिलेटेड है। लाइक आप 31 मार्च तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा। तो ये 31 मार्च से पहले आप प्रोसेस कर लीजिए, अदरवाइज आपका डीमैट अकाउंट हो जाएगा बंद। तो क्या करना, जो भी आपका डीमैट अकाउंट है उसके साथ आपको आपका नॉमिनी ऐड करना है। जो भी नॉमिनी मतलब हम लोगों के बाद या हमें कुछ हो जाता है तो हमारे अकाउंट में जो शेयर है वो किसको देने चाहिए, तो उसके लिए एक बंदा हमें ऐड करना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 कितने आपको ऐड करना है उतना। जैसे कि हम प्रॉपर्टी को भी नॉमिनी देते ना, सेम एज इट इज आपको आपके डीमैट अकाउंट को भी नॉमिनी देना है। तो नॉमिनी मतलब आपको अभी सबसे पहले ये वीडियो में हम लोग देखने वाले एंजल के ऊपर नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं, या एंजल वन ब्रोकिंग का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिसको भी नॉमिनी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे नॉमिनी मेरे हस्बैंड को ऐड करना है, तो उन्हीं के मुझे सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो आपको जो भी नॉमिनी ऐड करना है, पहले उनका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी आईडी प्रूफ स्कैन कीजिए और आपके पीडीएफ फाइल में या पिक भी आप निकाल सकते हैं। पीडीएफ फाइल या पिक में आप रखिए, फोटो भी चल जाएगा आपको। उन्हीं का मोबाइल नंबर, जो आपका नॉमिनी उन्हीं का मोबाइल नंबर एंड उन्हीं का ईमेल आईडी आपको रिक्वायर है। फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स, आप उनके सब डिटेल एंटर करने के बाद लास्ट में आपको ई साइन करना पड़ता है। आपको उस ई साइन के लिए आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड रिक्वायर है। एक सिंपल प्रोसेस है, जस्ट 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। तो देखते चलो स्क्रीन के ऊपर एंजल वन के ऊपर नॉमिनी हम लोग कैसे ऐड करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले एंजल के ऊपर नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर या क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपका एंजल का जो भी प्लेटफॉर्म है लॉग इन करना है। तो उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ता है, देन उसके बाद आपका OTP एंड TPIN आपको रिक्वायर है। और एंटर करने के बाद आप आपके प्लेटफॉर्म में जो भी एंजल का प्लेटफॉर्म है आप उसमें एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले OTP ऐड करना पड़ता है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाए। इनके साथ ये प्रोसेस नहीं करते तो आपका डीमैट अकाउंट 31 मार्च को बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा OTP आ चुका, मैंने OTP एंटर कर दिया। अभी जो भी मेरा TPIN होता है ना, या जो मेरा पिन है, यहाँ पे मुझे एंटर करना है। और जो पिन आपने आपके एप्लीकेशन के ऊपर सेट करके रखा है वही पिन आपको एंटर करना है। तो मतलब हम जब भी मोबाइल में जो हमारा अकाउंट लॉगिन करते हैं उसके बाद हमारा पिन या जो आता है ना वही एंटर करना है। तो यहाँ पे जो मेरा पिन है मैंने वो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म में आ गए। आने के बाद हमारा मेन पार्ट क्या है, यहाँ पे जो भी हमें अकाउंट का सेक्शंस मिलता है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अकाउंट के सेक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। वो प्लेटफॉर्म ओपन होने के बाद आपको नीचे आपकी स्क्रीन स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पे आपको ऐड टू नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आपकी सब डिटेल्स आ जाती है। उसी के साइट में आपको ऐड टू नॉमिनी का ऑप्शन भी आ जाता है। वहाँ पे नॉमिनी के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऐड टू नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अदर प्लेस के ऊपर क्लिक करते तो ओपन नहीं हो जाएगा। आपको जो नॉमिनी नेम दिया है ना उसी के ऊपर क्लिक करना है। मतलब जो हमें नॉमिनी नेम शो करा है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आके ओपन हो जाता है। उसके ऊपर जाके आपको ऐड टू नॉमिनी एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम, जो भी आप बंदा ऐड करें उसी का सब डिटेल्स होनी चाहिए, उसी का नेम, उसी की बर्थ डेट एंड उसी का पैन आईडी, और आपको उसमें कितने परसेंटेज देने आपके अकाउंट के वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सेम डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मेरा जो भी नॉमिनी उनकी बर्थ डेट एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो भी नॉमिनी उनका पैन कार्ड एंटर करना है। एंड आपको उसके बाद जो आपको लास्ट परसेंटेज वाला कॉलम मिल रहा है ना, जो भी नॉमिनी को आपको परसेंटेज देना है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया इसलिए मुझे एक ही नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। मैं 50 करती तो मुझे 2 अलग अलग पर्सन ऐड करने पड़ते। तो यहाँ पे हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको ई साइनिंग करना पड़ता है। आपका जो भी आधार कार्ड है उसके ऊपर ई सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। जो बंदा है उसी का आपको आधार नंबर, जैसे कि आपका खुद का अकाउंट है तो आपको आप ही का आधार कार्ड एंटर करना है, नॉमिनी का नहीं करना। ये पार्ट हमेशा याद रखे, नॉमिनी का आधार कार्ड आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना, आपका खुद का आधार कार्ड यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर आपको एक OTP आता है, जो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है या ईमेल आईडी लिंक है उसके ऊपर आपको OTP आता है। OTP यहाँ पे आपको ऐड करना है। OTP ऐड करने के बाद आपको OTP वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको
यहाँ पे आपका जो भी आपने नॉमिनी का डिटेल्स दिया है वो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा, मतलब आपका नॉमिनी सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपको टेक्स्ट मैसेज भी आता है। तो यहाँ पे मेरा नॉमिनी ऐड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये नॉमिनी ऐड हो गया है, तो 2 डेज का टाइम है, यहाँ पे हम लोगों की फिर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और एक कंपलसरी नहीं करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा, जल्दी से जाके कीजिए, जस्ट 1 से 2 मिनट का ही प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता नॉमिनी ऐड कर।